गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्विट्जरलैंड का वीजा अप्लाई किया और एक ऐसे बंदे का किया है जो सिर्फ 25 साल का है, काम कुछ नहीं करता, तो वीजा की जो शक्ल है वो कुछ ऐसी है। इनको मिला है 1 साल और 90 दिन तक रह सकते हैं। स्विट्जरलैंड का वीजा ने का फायदा ये है कि एक तो टाइम पे दे देते हैं, दूसरा इनके रिक्वायरमेंट बहुत ही कम। तो पहले मैं इनका चेक लिस्ट दिखा दूं आपको, टूरिस्ट के लिए क्या चेक लिस्ट है। सबसे पहले आपका पासपोर्ट मांगते हैं जो कम से कम 3 महीने वैलिड होना चाहिए, 2 पासपोर्ट साइज फोटो, कवरिंग लेटर पढ़ेंगे, ट्रेवल इंश्योरेंस, फ्लाइट रिजर्वेशन प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन, ये मैं कैसे कैसे बनेगा ये सब मैं बताऊंगा। आप एम्प्लॉयड हैं तो लास्ट 3 मंथ की सैलरी स्लिप लगती है, उसमें आपको बैंक अकाउंट में दिखाना पड़ेगा कि आपके अकाउंट में पैसे जा रहे थे। जब आप कोई काम कर रहे होते हैं तो आपको भरना होता है, तो ITR तो सबके में ही लगती है। रिटायर्ड हैं तो इनका 3 मंथ का पेंशन बैंक स्टेटमेंट लगता है, प्रूफ ऑफ रेगुलर इनकम, कहाँ से उनको इनकम आ रही है। फिर आ जाता है अनएम्प्लॉयड और स्टूडेंट। जो मेरा वीजा आज बन रहा है वो अनएम्प्लॉयड और स्टूडेंट है, इसके ऊपर बनाना है। आज जो वीडियो बन रही है तो ऐसे निकम्मों पे बन रही है जो दिन के 12 बजे तक सोते हैं, काम कुछ नहीं है, उनको वीजा कैसे मिल सकता है। इसको मैं इजीली करके बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए कि वीजा पाने के लिए हमको क्या चाहिए। हमें डॉक्यूमेंट्स में ऐसी चीजें दिखानी पड़ती है जिससे कि वीजा आसानी से मिल जाए, जबकि ये दोनों काम कुछ नहीं कर रहे हैं। दोनों का मैंने वीजा अप्लाई किया है, वीजा मिल गया है, तो वीजा कैसे कैसे मिला है आप पूरी वीडियो देखें। 12:07 हो गए, अभी तो ये नहीं पता लगता, नर्स ने कहा था कि ये बड़ा है, हमें लगता है ये बड़ा है। खैर इशू ये है कि फ्री का इन्होंने इतनी सारी चीजें फ्री की देख के काम ही नहीं करते। अभी बेचारा भीख मांगने की सोच रहा था, इसे एक ताना दे दिया, इतना लंबा चौड़ा है भाई, तू भीख क्यों मांग रहा है। अब चेक लिस्ट बता दूं कि कैसे कैसे बनानी है। वीजा मेरा भी आ गया है, मैं इतना ट्रेवल कर चुका हूं, मतलब झूठ बोलने का मुझे जरूरत नहीं है। दूसरा वीडियो इसलिए बनाना पड़ रहा है कि कुछ लोग जो है वो फ्री में जैसे प्रसाद बढ़ता है, जैसे लंगर लगता है, ऐसे वीजा कोड बांटे जा रहे हैं। मेरा वीजा है वो इस तरह से, साथ में 2 पेपर भी देते हैं आप कहाँ कहाँ घूम सकते हैं। और मैं अपने दिल की भड़ास निकाल लूं कि लोग जो है ऐसे ही वीजा बांटे जा रहे हैं जबकि इतने सारे पेपर इकट्ठे करने पड़ते हैं। खैर आपको ऑनलाइन जाना पड़ेगा, ऑनलाइन के लिए आपको ऐसा फॉर्म निकलता है, ऑनलाइन में कुछ भी नहीं है, जो आपकी पासपोर्ट में डिटेल, आपका डेट ऑफ बर्थ है, पासपोर्ट कहाँ से बना था, वो कब बना था, ये सब डिटेलें होती हैं और कुछ नहीं है। आपका ईमेल और फोन नंबर, इस तरह से एक पेज निकल जाएगा, ये आपको लेके जाना है। जब आप ये निकाल लें, जैसे इन भाई साहब ने ये फॉर्म भरा हुआ, एक पेन से आपको अपने कलम से लिखना पड़ेगा ये आपकी डिटेल है। ये भी सब जो है जो पासपोर्ट में डिटेल है सेम वही है। बाहर से सिर्फ आपका क्या जाएगा, आप कौन से होटल में रुक रहे हैं, कौन सी डेट को जा रहे हैं, जैसे कि इन्होंने ये होटल का अपना डाला हुआ है कि मैं इस होटल में जाके रुकूंगा। कवरिंग लेटर अगर आपने छुपा रखा है तो बहुत अच्छा है, नहीं छुपा रखा है तो आप ऐसे प्लेन पेपर पे भी लिख के दे सकते हैं। लेकिन इससे क्या लगता है, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, उनको लगता है कि आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं उसमें ये मेंशन हो रहा है, ये एक इजी तरीका है। अब इसमें आपको क्या देना होता है, जैसे आप स्कूल में छुट्टी के लिए एप्लीकेशन देते थे, ऐसे ही आपने जिस भी है, सब एम्बेसी का एक जैसा ही फार्मूला है, उसमें आपको बताना है कि भाई मैं इस डेट से इस डेट तक यहाँ जा रहा हूँ, इसके सारे डॉक्यूमेंट्स मैं लगा रहा हूँ। जो आपकी फाइनेंस हिस्ट्री है वो सब आपको लगाना पड़ेगा, जैसे कि आजा भाई ये हो गया बैंक स्टेटमेंट, आपने किसी को अपनी प्रॉपर्टी रेंट पे दे रखी है और रेंट एग्रीमेंट लगेगा, आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी हुई वो लगेगा, ITR लगेगा। इस बार LIC वगैरह दी थी तो उन्होंने मेरे को SGT ये वापस कर दी थी, ये जब ही का मेरे पास पड़ा हुआ है। कई बार ले लेते हैं, नहीं लेते हैं, आपको बोलना पड़ेगा कि भाई मेरे को ये लगानी है क्योंकि मेरा फाइनेंशियल थोड़ा कमजोर है। ये तो आपके फंड हो गए कि मैं जो है यहाँ पे खाते पीते घर से हूँ। जब आप VFS जाएं तो आपको लेके जाना एयर टिकट की डिटेल, ये एयर टिकट आपको 72 घंटे के लिए बुकिंग कर सकते हैं फ्री में। बहुत सारी वेबसाइट है जहाँ से आप 72 घंटे के लिए होल्ड कर सकते हैं, वैसे ही आप होटल भी होल्ड कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं। एक इंश्योरेंस रह जाती है वो 6-7 हज़ार रुपये की आपको करनी पड़ेगी। ये फोटो चलती है अभी, ये वाली नहीं चलती जिसमें ये चेस ज़्यादा होती है। जब आपका ये वीजा फॉर्म निकल जाएगा उसके बाद अपने वीजा फॉर्म भरना है अपने हाथों से। इसमें डिटेल क्या आती है, जो पासपोर्ट में है, जो आपका एड्रेस है, आप क्या कर रहे हैं, क्या हैं, जैसे कि स्टूडेंट हैं तो उसके बाद आप कहाँ पे जा रहे हैं, उसका होटल का नाम और फ़ोन नंबर ये आएगा। अगर आप किसी रिश्तेदार के यहाँ जा रहे हैं तो उनका एड्रेस चाहिए, फ़ोन नंबर चाहिए। ये 3 पेज का फॉर्म है, बिल्कुल मैं चेक लिस्ट के हिसाब से चल रहा हूँ, साथ ही मैं वीडियो भी बना रहा हूँ। तो वीजा एप्लीकेशन फॉर्म के बाद जो कवरिंग लेटर, लेटर हेड, बहुत सारे नाम होते हैं इसके, ये आप अपने प्लेन पेपर से भी भर सकते हो। जो जो आप भर रहे हैं यहाँ पे, फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म, ट्रिप, राउंड ट्रिप,
एकोमोडेशन डिटेल, फाइनेंशियल एम्प्लॉयमेंट। उसके बाद बिल्कुल मैं वैसे ही दिखा रहा हूँ जैसे कि इन्होंने मांगा है। तो सबसे पहले इन्होंने ट्रेवल इंश्योरेंस मांगा है, ये करीब 6000 रुपए में बनता है। उसके बाद फ्लाइट मांगी है, फ्लाइट आपको पूरी डिटेल दिखानी है। आपको 72 घंटे के लिए होल्ड कर सकते हैं आप फ्री ऑफ कॉस्ट में, बहुत सारी वेबसाइट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देती है। बाद आप आ जाते हैं होटल बुकिंग पे, होटल बुकिंग भी 72-48 घंटे के ऐसे ही मिलते हैं। इसमें आपने पूरी डिटेल देनी है कि आप कितने दिन तक कौन कौन से होटल में रुक रहे हैं। अगर आपका कोई वहाँ पे जानने वाला है तो उनका एड्रेस पूरा देना है, फोन नंबर देना है। उसके बाद आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। सबसे पहले आपका बैंक स्टेटमेंट लगेगा। अगर आपके ने कोई प्रॉपर्टी रेंट पे दे रखी है, आपकी जो भी सोर्स ऑफ इनकम है वो आप ही को पता होगा आप कैसे कमाते हैं, आप लूट रहे हैं, खसोट रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनको इस बात से मतलब नहीं है। आपको पेपरों में दिखाना है कि आपके पास इनकम है। ये फिर 2 साल का ITR लगेगा। तो मैंने पेपर बिल्कुल वैसे ही दिखाए हैं जैसे कि वहाँ पे लगने हैं। फिर से मैं रिमाइंड कर देता हूँ, 2 साल का ITR हो गया। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी है, आपकी प्रॉपर्टी के पेपर का एक कोई पेज लगेगा। आपने अगर रेंट भी दिया हुआ है तो रेंट एग्रीमेंट लगेगा। 3 से 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट लगेगी। ये हर वीजा के लिए, हर तरीके का जो वीजा आप ले रहे हैं, चाहे स्टूडेंट हैं, कोई भी हैं, तो उनके लिए सबके लिए एक जैसे ही डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। उसके बाद होटल बुकिंग, जितने भी दिन आप स्टे दिखा रहे हैं उतने दिन के लिए आपको होटल बुकिंग दिखाना पड़ेगा। सस्ता वाला ले लें, और अगर आपका कोई जानने वाला है तो उनके एड्रेस और फोन नंबर सब कुछ देना है। एयरलाइन का है, जब से जब तक आपको जाना है वो पूरी डिटेल देनी है। ये दोबारा से बता दूं, ये 72 घंटे के लिए आप, बहुत सारी वेबसाइट हैं जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप होल्ड भी कर सकते हो इसे। अदरवाइज 6-7 हज़ार रुपये ट्रेवल एजेंट लेते हैं, वो आपको करके दे देंगे। ये वीजा फॉर्म मैं दिखा चुका हूँ, ये सब इकट्ठे करके आपको लेके जाना है। 80 यूरो के आसपास आपकी फीस लगनी है, ये आपके डॉक्यूमेंट्स जमा हो जाएंगे, वीजा आपको मिल जाएगा। देखो बॉस, यूरोप का वीजा सिंपल है। सिंपल क्यों है कि उनकी एक चेकलिस्ट बनी हुई है। आप उनके अकॉर्डिंगली अगर ये चेकलिस्ट तैयार करके ले जाओगे तो आपको वीज़ा मिल जाएगा। इसमें ना तो आपकी कोई शकल देख के वीज़ा देगा, ना ही कहीं पे कोई धांधली चलेगी। इसके लिए बहुत सिंपल है कि आपको ये सारी चीज़ें ले जानी पड़ेंगी। वो आपसे एक एक करके पूछेंगे और ऐसे टिक करते हुए चले जाएंगे कि आपने ट्रेवल इंश्योरेंस दे दिया है, फ्लाइट दे दिया है, एकोमोडेशन दे दिया है, प्रूफ ऑफ इनकम दे दिया है। जो चीज़ नहीं होगी उसको क्रॉस कर देंगे और आपको बोलेंगे आप ये 2 घंटे में अरेंज करके ले आओ या नेक्स्ट डे दे दो। तो ये आपकी चॉइस है कि आप नेक्स्ट डे देना चाहते हो या 2 घंटे के बाद देना चाहते हो। किसी चीज़ की अगर कमी रह जाती है तो फिर वो उसी टाइम पे बोल देंगे कि अगर वीज़ा नहीं लगा है तो आप हमें परेशान नहीं करेंगे, आप हमें ईमेल या फोन वगैरह नहीं करेंगे। यूट्यूब पे झूठ तो बहुत बोला जा रहा है, लेकिन ऐसी चीज़ों के लिए झूठ बोला जा रहा है जिससे दूसरे का नुकसान हो सकता है। अब ये 700-800 रुपए के लिए बोल रहे हैं कि इंटरव्यू कहीं पे भी नहीं होता, मैं अंदर की वीडियो दिखा दूंगा। ये अंदर की वीडियो है, यहाँ पे सिर्फ आपके पेपर चेक होते हैं, पेपर पूरे हैं तो वो रिसीव कर लेते हैं, नहीं होते हैं तो आपको टाइम देते हैं। इस बार मेरे पास 2 पेपर कम थे जो मुझे दोबारा से लेने पड़े, तो इससे अच्छा है मैं आपको और आसानी से समझा पाऊंगा। जैसे कि उन्होंने बोला कि 13 से 26 का आपके पास स्टे नहीं है। स्टे मैंने इसलिए नहीं दिया था कि मेरे को जर्मनी में रहना था, लेकिन उन्होंने शर्त लगाई है कि अगर आप वीजा ले रहे हैं स्विट्जरलैंड का तो स्विट्जरलैंड के पूरा स्टे दिखाना पड़े, तो मुझे बाहर फोटोकॉपी वाले के यहाँ पे जाके ये सारे पेपर इकट्ठे करने पड़े। तो मेरे को ये 3 चीजें देनी थी, मुझे 2 वर्ष का फॉर्म भरना था और स्टे देना था। तो स्टे आपको पूरा लगाना पड़ेगा जितने दिन के लिए आप जा रहे हैं, जैसे कि इन्होंने मेरे को वापस कर दिया था। तो ये अच्छा है कि मैं आपको बता पाया हूँ कि यहाँ पे सिर्फ डॉक्यूमेंट्स के ऊपर वीजा मिलता है। आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं तो आपको वीजा मिल जाएगा और कुछ भी नहीं चाहिए। अब ये वीडियो बन रही थी लो इनकम में कैसे वीजा मिलेगा। लो इनकम में अगर आप बैंक अकाउंट खोल लेते हैं, उसमें ट्रांजेक्शन आना और जाना दिखाना शुरू करेंगे तो उससे इनकम जनरेट शुरू हो जाती है। तो एम्बेसी को सिर्फ पेपरों में दिखाना होता है कि भाई आपके पास पैसे आ रहे हैं जा रहे हैं, और उनके पास और कोई तरीका नहीं है कि वो आपको जज कर लें कि इनके पास इनकम आ रही है जा रही है क्या कर। तो जो लोग स्टूडेंट हैं, जो काम नहीं कर पा रहे हैं, जिनकी इनकम कम है, उनके लिए बैंक का एक जरिया बहुत अच्छा जरिया है। उसमें आपको लिखित में मिल जाता है कि इसके पास पैसे आ रहे थे और जा रहे थे, खर्चा कर भी रहा है, इसकी अर्निंग भी है और इसे स्पेंड भी कर रहा है। इन्हीं डॉक्यूमेंट्स के ऊपर मैंने वीजा अप्लाई किया था 28 अप्रैल को, जो 16 मई को मेरे को वीजा मिल भी गया है। ये मुझे अच्छा लगता है जब आप किसी गरीब के साथ ऐसे खेल रहे होते हैं, तब लिखेंगे आप गरीब लड़का भी जाएगा यूरोप। गरीब बेचारे सपने देखने शुरू कर देंगे। और एक चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको भाई साहब, ये जो इन्होंने लिखा ना, आयरलैंड को चाहिए क्लीनर। एक तो उनके यहाँ पे गंद नहीं होती, दूसरा उनके यहाँ पे हर चीज़ मशीन से हो रही होती है, तीसरा भाई साहब जो हमारे स्टूडेंट हैं जो यहाँ से पढ़ने के लिए जाते हैं, उनको क्या जॉब मिलती है, या तो रेस्टोरेंट में मिलती है या ऐसे छोटे मोटे काम मिलते हैं शुरू में। तो ये जो है ये सारे फर्जी हैं। ये वहाँ पे ऐसे हमारे सिर्फ हमारी कंट्री में ऐसा है
कि आपको एक आईएएस आईपीएस उसके बाद एसएचओ सेकंड एसएचओ इंस्पेक्टर उसके नीचे फिर हवलदार फिर उसके नीचे और पता नहीं कितना है फिर गार्ड ऐसे चलता है। लेकिन गोरों के यहाँ पे एक ही आदमी को 10 काम करने पड़ते हैं। तो ये जो फर्जी काम चल रहे हैं ये देखने सुनने में अच्छा लग रहा है और ये सिर्फ 800-900 रुपए के लिए झूठ बोल रहे हैं भाई साहब जो हैं। अब मैं किसी और की वीडियो निकालता हूँ पहले। ये गैरी बेकर भी आपको हर जगह भेज सकता है और ये अच्छा लगता है अनपढ़ आदमी के लिए सुनहरा मौका। इन पर विश्वास कौन करते हैं मुझे तो ये समझ में नहीं आता। इनके अगर सब्सक्राइबर देखेंगे ये देखिए 4,42,000। हमारे देश में कितने अनपढ़ लोग हैं जो इन चीज़ों पर विश्वास रखते हैं। मुझे पता लग रहा है कि यहाँ पर ऐसे भी लोग हैं जो इन जाहिलों पर इस तरीके का विश्वास करते हैं। खैर वीडियो लंबी हो जाएगी ना मैं बताई एक उदाहरण ले लेता हूँ। जैसे इन्होंने फिनलैंड के लिए बताया कि फिनलैंड जाने में जो है बहुत आसानी है फ्री में है। फ्री वर्ड तो बहुत ही अच्छा लगता है फ्री बिजली मिल रही है ना हम लोगों को। तो मैं ओरिजिनल वेबसाइट दिखाता हूँ फिनलैंड जाने के लिए क्या क्या शर्त है। पहली शर्त है कि आपको लैंग्वेज आनी चाहिए। दूसरा जो इंटरनेशनल लोग वहाँ पे जाके बसने की सोच रहे हैं सबसे ज्यादा मुश्किल है। लेकिन जो बच्चे यहाँ से पढ़ने के लिए गए हुए थे उनको कुछ शर्तों के बाद जो है वहाँ पे जॉब करने की आजादी मिलती है। फिर भी अगर हम जॉब की बात करें तो नर्स के लिए जॉब खुली है क्योंकि कोविड के बाद जॉब बहुत ज्यादा निकली है। फिनलैंड जैसी कंट्री में सिर्फ 13,500 इंडियन लोग हैं और ये लोग जॉब दिखाते हैं 1,40,000। इससे आपको पता लग रहा होगा कि कितना बड़ा झूठ बोलते हैं सिर्फ 800-900 रुपए के लिए और जो जॉब निकलते हैं ई वालों के लिए। जो भाई ये जो जॉब बांटे जा रहे हैं ना ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर भी जो इंडियन को जो मिलती है जो अनपढ़ होते हैं उनको क्या मिलती है कुक की मिलती है। कुक की कैसे मिलती है जैसे कि मैं कनाडा गया हूँ। मैं एक बार नहीं कई बार गया हूँ कई महीने रहा हूँ। तो क्या होता है जैसे कनाडा है जर्मनी है अगर आपको पैसे कमाने हैं आप एक छोटी सी जगह लेते हैं उसमें आप दिखाते हैं कि मैंने रेस्टोरेंट खोला है। ये मैं कनाडा की बात कर रहा हूँ जैसे कि। तो जो वहाँ पे चला जाता है वो अपना ब्रेन खोलता है पैसे कैसे कमाने हैं। उसे रेस्टोरेंट से इनकम नहीं होती उतनी। उसे कैसे इनकम होगी एक रेस्टोरेंट की जगह बनाएगा एक पेपर में ऐड देगा कि मेरे को इंडियन कुक चाहिए। अब आपको पता है कि इंडियन कुक कनाडा में तो होते नहीं है वो तो इंडियन है तो इंडियन कुक इंडिया से ही जाएंगे। तो ये एक उनका बहाना होता है। उसके बाद 3 महीने वो दिखाते हैं गवर्नमेंट को कि भाई हम यहाँ पे कुक तलाश रहे थे हमें कुक नहीं मिल रहा है। कुक नहीं मिल रहा है तो फिर वो बहाना करते हैं कि भाई हम इंडिया से कुक मंगवा लेते हैं। तो वहाँ की गवर्नमेंट उनको परमिशन दे देती है। इस तरह से जो अनपढ़ भी जा रहे हैं तो वो इस तरह से जाते हैं जैसे कुक है तो उसको दिखाना होता है कि भाई यहाँ पे कनाडा में कुक नहीं है तो मेरे को इंडिया से मंगवाना पड़ेगा। तो एक कुक की जॉब जो है जनरेट हो गई है। ये एक तरीका है इंडियनों को इंडिया से बुलाने का। लेकिन जब ये कहते हैं कि सफाई वाले भी चाहिए क्लीनर और ये सब चाहिए ये ऐसी जॉब होती नहीं है। हाँ अगर आप पढ़े लिखे हैं आईटी की जॉब मिलती है अभी भी नर्स की जॉब मिलती है अभी नर्स की बहुत ज्यादा डिमांड है वो पूरे यूरोप में है कनाडा में है। लेकिन ये जो फर्जी जो लोग हैं ये जो जॉब दिखा रहे हैं ना ये एक भी जॉब नहीं मिलती है। और जो जॉब जनरेट होती है वो सिर्फ यूरोपियन यूनियन वालों के लिए होती है। इनकी 27 कंट्री हैं जिसमें से 15-16 कंट्री बिल्कुल ही गरीब हैं इंडिया से भी बुरा हाल है उनको। तो जो जॉब निकलेगी भी तो वो उनको यूरोपियन यूनियन वालों को देनी पड़ेगी। तो मैं ये अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ अगर आप वेबसाइट देखेंगे तो आपको पता लगे। जब से यूरोप एक हुआ है उन्होंने बहुत सारी शर्तें रखी हुई हैं कि यहाँ पे जो जॉब करेंगे वो सिर्फ ईयू वाले करेंगे वो चाहे जर्मनी हो फ्रांस हो इटली हो ये सब लागू। इतना सारा ट्रेवल कर चुके होगे तब पता लगेगा। तो मैं कहीं पे भी जाता हूँ मैं 6 महीने से कम कहीं पे भी नहीं जाता हूँ। मैं पिछले साल दिखाता हूँ आपको कि मैं 3 बार मुझे वीजा लेना पड़ा है यूरोप में रहने के लिए। पहले मैं वो दिखा दूँ 2022 में सबसे पहले मैंने स्विट्जरलैंड का वीजा लिया उसके बाद स्पेन का लिया है वो दिखाता हूँ उसके बाद यूके का लिया फिर स्पेन का लिया उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का लिया। यानी कि मेरे को 6 महीने वहाँ पे रहना था तो मेरे को वापस आके वीज़ा लेना पड़ा है। मतलब आप 10-12 हज़ार रुपये तो वीज़ा का लगा लो कम से कम उसके बाद एयर टिकट लगा लो। तो मैं कहीं पे भी जाता हूँ होल सेल के हिसाब से जाता हूँ ऐसे नहीं ऊपर ऊपर से कहीं पे घूम के नहीं आता। कनाडा का मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है तो सिर्फ अगर मेरे को वीडियो बनानी हो तो मैं रोज़ एक वीडियो बनाऊँ तो रोज़ कभी कहूँ रिजेक्शन के बाद कैसे लगेगा कभी कैसे तो ऐसे बहुत सारी वीडियो बन सकती है। सबका वीजा लेने का तरीका है सबका एक जैसा है सब में आपके डॉक्यूमेंट्स आईटीआर बैंक स्टेटमेंट ये सब लगती हैं जो मैंने इस वीजा वीडियो में बता रहा हूँ। सबका प्रोसीजर एक जैसा ही है सिर्फ यूएस में अभी भी इंटरव्यू होता है और आपके पेपर भी लगते हैं। तो आप 10 वीडियो बना लो तो भी एक जैसी चीज़ें बताओगे
और एक बना लो तभी भी ऐसी चीजें बताओगे। तो मेन मुद्दा ये था कि जो ये भाई साहब जो जॉब बांटे जा रहे हैं ना, ये मुझे बड़े बुरे लगे। तो अब मैं ये तो बता चुका हूँ आपको कि सिर्फ अनपढ़ को की जॉब मिलती है, और कुक की जॉब कैसे निकलती है कनाडा या जर्मनी में, मैंने बताया है कि उनके यहाँ पे इंडियन कुक नहीं होते हैं, तो उसको ही जनरेट किया जाता है पैसा कमाने के लिए। जो ये लोग बुलाते हैं, जब इंडियन कोई रेस्टोरेंट नकली खोलता है तो वो यहाँ से बुलाता है, एक आदमी से 20-30 लाख रुपये चार्ज करता है, जो उसकी आमदनी होटल से होनी है उससे ज़्यादा कहीं उसका इस काम से हो जाती है। तो मैं शायद समझा पाया हूँ कि अनपढ़ों की कहीं पर भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक कुक की जरूरत होती है, वो भी दिखाने के लिए, और वो उसको जनरेट करते हैं, इंडियन लोग जनरेट करते हैं, वो चाहे कनाडा हो, जर्मनी हो, कहीं पे भी हो। तो ये सिर्फ जनरेट की जाती है, ऐसा वहाँ पे नहीं है। और जो जॉब निकलती हैं, फिर एक बार बता रहा हूँ, EU 26-27 कंट्री हैं जो गरीब कंट्री हैं, जो छोटे मोटे काम होते हैं वो उनको देने होते हैं, उल्टा वहाँ पे असाइलम ले रखा है कम से कम करोड़ों लोगों ने, जैसे जर्मनी के पास भी, सीरिया के, अफगानिस्तान के, और जहाँ जहाँ पे भी गृह युद्ध चल जाते हैं वो सब वहाँ पे गए हुए हैं, उनको ही पालना पोसना पड़ता है जर्मनी को, उनके लिए फ्री खाना पीना रहना घूमना, उनके लिए मूवी भी फ्री में दिखाने का ठेका ले रखा है इन्होंने। जो हिटलर बुरे काम करके गया था उसको दबाने के लिए जर्मनी को इतने सारे काम करने पड़ रहे हैं कि अच्छा बनने के लिए, कि वो जो जितने भी जो भी इधर से जाते हैं उनको पालने का काम जर्मनी को करना पड़ रहा है, और जर्मनी ने दूसरी कंट्री को डंडा किया हुआ है कि भाई इनको संभालो। तो जो जॉब छोटी मोटी निकलेंगी भी तो वो उनको देनी पड़ेंगी, जब उनका 3-6 महीने के बाद उनको जो यहाँ से पॉलिटिकल असाइलम लेते हैं उनको 6 महीने के बाद जो है काम के लिए जगह दी जाती है कि अब आप जो है बाहर जाके ये काम कर सकते हो। पहले उनको एक बाउंड्री के अंदर रखा जाता है, कुछ दिन के बाद फिर उनके कुछ ID बनाई जाती है, फिर उनको बोला जाता है कि अब आप बाहर जाके जॉब कर सकते हो इतने घंटे की। तो जो ये वाले भाई साहब जो जॉब दिखा रहे हैं ना, अगर जॉब निकलेगी भी तो जो पॉलिटिकल असाइलम और ये सब लेके बैठे हुए हैं उनको दी जाएगी, ना कि हमारे इंडियनों को। और भाई 3,000-4,000 में कोई कैसे चला जाएगा? हाँ वहाँ पे गुरुद्वारे हैं, मैंने साउथ हॉल में मैंने खाना खाया हुआ है, कुछ वीडियोस में बस पड़ी हुई हैं तो मैं दिखा रहा हूँ कि आपको अगर सिर्फ खाना खाने जाना है तो भाई दिल्ली में बहुत सारे गुरुद्वारे हैं, फिर भी अगर आप गलती से बाहर चले गए हैं तो फ्री में खाना सिर्फ गुरुद्वारे में मिलता है, ये लोग फ्री में कुछ भी नहीं देंगे आपको, सिर्फ इनको 800 रुपये कमाने होते हैं बेवकूफ़ लोगों से। तो अब मैं गुरुद्वारे में पहुँच गया हूँ, चिप्स मिलने वाले हैं, शाही पनीर मिलने वाला है, दाल मिलने वाली है, रायता है, चटनी है, रोटी है। चलो खा लेते हैं, उसके बाद वीडियो बनाते हैं। चाय की कमी रह गई थी, वही मिल गई है। कलासी जंक्शन में अपना बहुत टाइम बीता है, 92 से लेके और 2000 तक, जब इंग्लिश लोग ज़्यादा थे यहाँ पे। और जिधर हम मेरा कैमरा दिखा रहा है उधर अफ्रीकन लोग और बंगाली लोग ज़्यादा हैं, इधर अभी मिक्स। कनाडा के गुरुद्वारों में मैंने खाना खाया हुआ है, मतलब ऐसे गरीबी भी नहीं खाया हुआ है, देखने के लिए खाया हुआ है कि भाई ये लोग जो बोल रहे हैं कि वहाँ पे फ्री रहना खाना और अपना सारा एयर टिकट और ये सब चीज़ें फ्री दे रहे हैं, वहाँ पर एक काम करने के लिए एक ही आदमी सफिशिएंट होता है। ये सिर्फ इंडिया में ही है कि एक काम को करने के लिए 10 आदमी लगे हुए होते हैं, वहाँ पे एक बस चलाने के लिए वही कंडक्टर होता है, वही ड्राइवर होता है, वही क्लीनर होता है। हाँ वो एक अलग बात है कि वो 8 घंटे की उसकी जॉब होती है। बाहर जॉब कम क्यों है? अब जैसे इस बस को आप देख रहे हैं, इसको 5 लोग चला रहे हैं, 2 पीछे हमारे माननीय मुख्यमंत्री, परिवहन मंत्री, और एक ड्राइवर, एक कंडक्टर और एक मार्शल। तो विदेश में जॉब्स कम क्यों हैं? क्योंकि वहाँ पे ड्राइवर ही कंडक्टर है, कंडक्टर ही ड्राइवर है, वही उसका क्लीनर है, वही सब कुछ है। तो मैंने एक उदाहरण दिया है आपको, काफ़ी लोग जो बोल रहे हैं कि भाई बाहर जो है इतनी सारी जॉब है, वहाँ पे मशीन से काम हो रहा है, मैं आपके सपने तोड़ रहा हूँ। जो लोग चाह रहे हैं कि वहाँ फ्री में जाके बस जाएँ, फ्री में जाके जॉब मिल जाएगी उनको, या बहुत सारी जॉब हैं, ऐसा नहीं है। मैं इस बस को फिर से दिखा रहा हूँ, इसको 5 लोग चला रहे हैं, देखो 3 आगे बैठे हुए हैं, 2 पीछे चला रहे हैं। तो वहाँ पे ऐसा नहीं है, वहाँ पे एक ही आदमी जो
कहीं पे भी जो काम करता है 10 आदमी का एक अकेला काम कर लेता है, वहां पे ये वाला सिस्टम नहीं है। ये सिर्फ हमारे यहाँ पे है कि एक IAS, IPS, फिर उसके नीचे और 10, फिर SHO, फिर इंस्पेक्टर, फिर सेकंड SHO, फिर हवलदार, फिर सिपाही, फिर गार्ड, फिर आते हैं। तो ये सब जो है यूरोप, कनाडा, इनमें कहीं पे भी नहीं है, क्योंकि कोई भी अगर मैं कोई जॉब कर रहा हूँ तो मेरे जो दूसरा कर रहा है मेरे ऊपर वाला, उसकी भी लगभग उतनी है। तो उन्होंने ऐसे सिस्टम बनाया हुआ है कि भाई कोई किसी के नीचे काम नहीं करेगा, क्योंकि उतनी सैलरी उसे मिल रही है, उतनी उसे मिल रही है। तो ये सिर्फ इंडिया में ही है कि बहुत ज़्यादा गरीब है, बहुत ज़्यादा अमीर है, तो हम लोग 10 आदमी रख सकते हैं। हम ऐसे तड़ी में कहीं, हमारे यार दोस्त बोलते हैं भाई मेरे यहाँ तो 10 नौकर हैं, और अलग बात है कि एक माली आ जाता है एक घंटे के लिए, कोई और आ जाता है, कोई आ जाता है तो दिखाने के लिए वो बोल देते हैं कि भाई काम वाली भी आती है। तो ये सारा सिस्टम यूरोप में नहीं है। अब मेरे ख्याल से मैं काफ़ी समझा चुका हूँ कि जो इन्होंने गोरख धंधा चलाया हुआ है वीजा का, फ्री वीजा का, ये आपको समझ में आ गया होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, आपके तकिए के नीचे कोई भी ऐसी परी रानी नहीं आएगी जो आपका वीजा, पासपोर्ट, ए टिकट, खाना पीना आपके तकिए के नीचे रख देगी। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। फिर एक बार बात बता रहा हूँ कि अभी भी नर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है, जो IT किए हुए हैं वो बहुत ज़्यादा है, जो PhD किए हुए हैं उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड US में। तो जो बाकी लोग हैं भाई उनको जाना है तो इनके थ्रू चले जाएं 3,000-4,000 में। तो आज की वीडियो मैं यहीं पे एंड करता हूँ। ये घटिया लोग 700-800 रुपए के लिए कुछ भी झूठ बोले जा रहे हैं, कहीं पे अरेस्ट का खेल दिखाए जा रहे हैं। माना कि अगर आपने 40 रुपए का कहीं का खाना बताया कि बहुत अच्छा है तो सिर्फ 40 रुपए का नुकसान है, लेकिन आप वीजा की गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो किसी का कितना नुकसान हो सकता है, ये इनकी समझ में कब आएगा।